Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Dani Z and back at it again with a new video, baby. Hey, Tata. यार ये जो ब्यूटी है ना दार्जिलिंग की एंड स्पेशली यहाँ का जो रेल लाइन है, ये देख सकते हो तुम लोग, जो वाटरफॉल्स हैं, जो आँखों से दिखता है वो बस हम ही फील कर सकते हैं, हम ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड हर जगह जगह पे छोटे छोटे वाटरफॉल, कहीं पे बड़े बड़े वाटरफॉल्स, एंड स्पेशली जो रोड से कनेक्टेड जो इन लोगों की रेल लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग है। बट आई विल मेक श्योर कि मैं समर में आऊँगा यहाँ पर। बोलते हैं कि अप्रैल मई में यहाँ पर समर होता है, सो आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसे कुछ टाइम पर आऊँगा। वैसे अभी तो मैं ठीक हो चुका हूँ, बट स्टिल वी हैव टू मूव ऑन। बहुत सारी चीज़ें मैंने तुम लोग बताया था पिछले ब्लॉग में कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फना फिल्ला जी, कैसे लग रहा है आपको इन वादियों में नचाते हुए पॉम पॉम को? मस्त, जोर से तो बोलो। मस्त लग रहा है, बोलने का पैसा नहीं लगता है। क्या ब्यूटी है यार यहाँ पे, क्या क्या ब्यूटी है यार बस। और ये जगह जगह पे रेल लाइन है। पूरा फॉगी वेदर है गाइस, कंप्लीट फॉग है यहाँ पे सिलीगुड़ी में। फिलहाल हम लोग दार्जिलिंग मोड़ पे, थोड़ा सा पॉम्पोंग हुआ जिसकी मैं तुम लोग बोला था, सबसे पहले पॉम्पोंग का एंड उसके बाद बाकी सारे काम। हालत पतली हो गई है, वहाँ पे जितनी ठंडी थी यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा गर्मी भी है। तीन दिन चला है। थैंक यू यार इतना हेल्प करने के लिए, थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू भाई, थैंक यू। और वो भाई का है? इधर 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 है भाई के साथ। थैंक यू वेरी मच। लाइफ इज नॉट इजी ब्रो, नॉट इजी। आई होप ये हमारे पॉम पॉम का लास्ट स्टॉप हो। यहाँ पे हम लोग कराने वाले हैं गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, और उसके बाद पता नहीं हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी या फिर बढ़ेगी। हम लोग यहीं पर रुकेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मंगल टायर्स में हम लोग होगा ऑलमोस्ट 80-85% काम कंप्लीट हो चुका है। नहीं, मैंने भाई को बताया उन्होंने भी कुछ बताया, कुछ बहुत है मगर वो अपन मुंबई में कराएंगे, ठीक है। तो सिलीगुड़ी में इफ़ यू गाइज आर सर्चिंग फॉर एनी मैकेनिक, मंगल टायर इज द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन कम हियर एंड यू गाइज कैन गेट इन टच विद दिस भैया। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू भैया। हम लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करो, हम लोग का यूट्यूब वीडियो भी देखना। मैं यूट्यूब में तो वीडियो देखता हूँ, क्या नाम से है? दानिश ज़हन। ये हम लोग का चैनल है, सब्सक्राइब कर दिया भाई ने, तुम लोग भी सब्सक्राइब करो। घंटी बजा दे, घंटी भी बजा दिया, घंटी भी बजा दिया। अभी कितना है, कितना फॉलोवर हो गए हम लोगों के? 5.1 मिलियन है। हेलो अंकल, नहीं नहीं थैंक यू नहीं, बस खाओ ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ और सॉरी, मैं बस जितना कैश था उतना ही दे पाया आपको, ठीक है, थैंक यू, संभालो। जैसे कि तुम लोग देखा अभी अंकल जो आए थे, तो ऑलवेज हम लोग बस यहाँ पे रुके हुए थे, सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्लान एज सच कि अब आगे क्या हुआ क्या नहीं होगा। अभी तक की जितनी भी ट्रिप प्लान थी मैंने सब कुछ कर दिया, तुम लोगों को दिखा दिया एंड इवन सद्दाम भाई लोगों को बता दिया। बट सच बोल रहा हूँ, आई स्वेयर सद्दाम भाई को भी शायद ये बात पता होगी एंड पीछे जो बैठा हुआ है वरुण उसको भी बात बहुत अच्छे से पता है कि आगे अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले, मतलब सिलीगुड़ी से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ही घूमना है बट कौन सी जगह पहले जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे, तवांग जाएंगे, मेघालय जाएंगे, सीधा नागालैंड जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वैसे सच बोलूं तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरी ऐसी थिंकिंग है कि डायरेक्ट पहले नागालैंड जाना चाहिए एंड फिर रिटर्न आते टाइम पे सारी चीज़ों को कवर करते हुए आना चाहिए, ये मेरा सोचना है। अब मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा इन दोनों के साथ, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। तब तक कि वो अंकल भी आ गए तो मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं किसकी लाइफ में क्या मजबूरी है, थोड़ा जो हम लोग छोटे पैसे थे, ज़्यादा कुछ नहीं थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, छोटे भी मेरे पास कुछ 12-13 रुपये ही थे तो मैंने उनको वो दे दिए। और फिर मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि अंकल ने बोला कि बेटा मैंने कुछ खाया नहीं, तो फिर हम लोग जो बिस्किट्स एंड ऑल थी मैंने वो भी दे दी। तो ठीक है, कोई बड़ा दान नहीं किया, जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा था। मतलब तुम लोगों के पास भी अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आए तो कभी ये मत सोचो कि मेरे 2 रुपए देने से या 1 रुपए देने से किसी के साथ क्या होगा, यू नेवर नो कि वो 1 रुपया या वो 8 आना या वो 4 आना भी किसी की लाइफ में क्या चेंज ला सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे भाई और मेरी लाइफ में 4 आना भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था, क्योंकि हम लोग के टाइम पे तो 4 आना भी चलता था, तुम्हारे भी टाइम पे चलता है वे 35 साल के आदमी चलता था
मजाक कर रहा हूँ मेरा भाई मेरे से एक साल बड़ा है बस सो जो भी है बट मेक श्योर कि योर चैरिटी डजंट मैटर कितनी बड़ी हो कितनी छोटी है इट जस्ट मैटर्स कि सामने वाले की परेशानी अगर सॉल्व हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं हो सकती तो प्रे करो कि सॉल्व हो जाए फिलहाल मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ एंड देन वी विल लेट यू नो कर लो पहले बात कर लो तुम बात डिस्कस करते थे दो घंटे हो गए कर लो बात पूरी 10 मिनट की नॉनसेंस कॉन्वर्सेशन के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी नहीं हम लोग जा रहे हैं नागालैंड नागालैंड से हम लोग रिटर्न आते आते मतलब नागालैंड पहुंचने का हम लोगों का एक ही टारगेट होगा कि घर पहुंचना है भाई मतलब बीच बीच में स्टॉप्स लेते हुए पेट्रोल पंप सिर्फ अपनी 105 का है यहाँ पे पेट्रोल मुंबई की टक्कर में चल रहा है पेट्रोल यहाँ पता है टोटल पेट्रोल 4417 41 लीटर्स क्या हो गया फना फिला दिखा दो क्या हुआ देखो आ लाओ लाओ इधर आओ तो अरे हां मैं तो भी देखने आ इधर आओ चाबी दो मेरे अरे एटीएम है इधर इसको एटीएम बोलते हैं साहब इधर आएंगे एटीएम अरे तो एटीएम लिखा है तो एटीएम देख के जा रहे थे ना लिखा है वही ऑफिस लिखा कहां एटीएम लिखा है उधर देखो सामने यहाँ पे कहीं होटल है आंटी खाने के लिए हम लोग को यहाँ के जीने का हाँ दो ढाबा नसीब इतने सारे प्लानिंग प्लॉटिंग है हम लोगों की इस निम्बू के साथ तुम लोग भी Don't try this at home. Try it in glass. Do try this with thumbs up. नींबू डालना उसके बस मैं इतना ही पीऊंगा मेरे को कम चाहिए अबे मस्त देना सद्दाम अबे देना सद्दाम क्या एडी चाले कर रहा है ऐसे पंपों को देखिए बहुत अच्छा लग रहा है किसी की नजर ना लगे चलो चलो लेट्स गो चलाऊंगा तो मैं ही चलो बैठो नहीं नहीं मैं चला रहा हूँ अरे बैठ नहीं 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 मैं चला रहा हूँ अबे बैठ ना बे अरे नहीं बे गुवाहाटी ये रास्ता है ना हाँ 6 किलोमीटर जाके ओके थैंक यू तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आसाम बॉर्डर चेक गेट है यहाँ पर और यहाँ पर है डब्बा जहाँ पर बैठे रहते सब सॉरी कोई बात अरे आसाम की पहली छीक आसाम की पहली छीक ये है आसाम का गेट आसाम बॉर्डर आसाम चेक पोस्ट थैंक यू सर और ये हम लोग आ चुके हैं आसाम ये फर्स्ट टाइम इन आसाम आई एम श्योर कुछ अच्छा करेंगे एक्साइटिंग करेंगे and I don't know क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे but we'll make sure to give you guys the best content and फराफिल्ला फुलबिल्ला कर देंगे तुम सब डोगड़ेला हम पहुंच चुके हैं आसाम और यही है हमारा काम 4:36 हो रहा है और हम लोग कवर करना है 264 किलोमीटर 5 आवर्स में मे बी वी विल टेक अ हॉल्ट बट समझ नहीं आ रहा है कि 4:30 बजे इतना उजाला कैसे हो रहा है यहाँ शाम हो रही है सुबह पहला कंफ्यूज है सुबह का नाश्ता करेगा शाम का पर लाश तो लाश ही है लाश को ठिकाने लगा देते चलो उधर ये लोग सब ठीक है तो सब सो रहे तो ओके थैंक यू सर गुवाहाटी तक का रास्ता ऐसे ही है ना यस ओके थैंक यू सर You can see, सच में एक अलग वर्ल्ड है कौवा कहाँ जा रहा है अकेले इंडिया में कुछ एक अलग चीज देखने मिल रही है नमस्ते अंकल मेरे को तो वो शॉट कहीं से भी लागे था आ गया शॉट कैसे जवाब तो गाड़ी के तो सिगरेट भी अलाउड नहीं रहे हो
बाय बाय बाय, थैंक यू। क्या नाम है आपका? धनसुराम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग का तीसरा स्टॉप कमर टूट गई। लेडी हाउस पे चलेगा। सो स्ट्रेट 10 hours ड्राइव करने के बाद कुछ ऐसी हालत है भाई, पर क्या बताओ यार, ये खटिया कितनी खटिया ले लेते हैं। चलो steering is changed fanafilla which is full dhilla on the steering again dekh sakte ho saboot ke sath dikha raha hu banda chai peene bhi nahi aaya kundi lagane se hi na iska jannat dikhati hai kaun hai ye gana kisne banaya savdhan raho satark raho aise logo se bacho is awesome Life is awesome, awesome is awesome. Life is a game. चप्पल पहनने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, क्यों नहीं उतारने का मन कर रहा है? Because of पसीना। हाँ, अच्छा अभी सुनो ना। हम लोग ने यहाँ पे फिलहाल रुकने का फैसला कर लिया है। हमने? हाँ। अरे हमने कब किया? हम लोग ने किया। हम लोग ने वही हमने मतलब हम लोग ने हम जो है हम साथ है ना? हम साथ पाँच है। हम साथ तीन है। हम साथ चार है। तीन नहीं है। हम साथ पाँच है। ढाई है। आधा है, आधा नहीं। हम साथ पाँच है। इसे सच में बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मगर हम साथ पाँच है कैसे हो तुमको बता दूं? कैसे पाँच? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो अंदर बैठा है जो आप लोगों को बहुत दिखता नहीं है, फोर्थ इज पॉम पॉम एंड फिफ्थ इज दानिश। हारा कि नहीं हारा? हार गया। सो गाइस, जैसे तुम देख सकते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ अपने वीडियोस के लिए। सो आई होप लोगों को वीडियो देखने मज़ा आ रही होगी, और अगर मज़ा आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबको बोलो, अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड को, क्लासेस फ्रेंड को, अपने आजू बाजू वाले को, अपने नेबर्स को सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सो वही, सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। बाय फैम्ब्रो।